जय हिंद। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि पैनासोनिक विंडो एसी के अंदर ईवन एरर कोड क्यों आता है। देखिए, विंडो एसी में हमारी जो कूलिंग कॉइल लगी होती है, इसके सामने एक थर्मोस्टेट लगा होता है, जिसे अक्सर लोग सेंसर भी कहते हैं। तो ये रूम सेंसर होता है, ये कमरे की जो है ना हमारी कूलिंग को सेंस करता है। जब इसकी वायर कट जाती है, जैसे अक्सर चूहे वगैरह काट देते हैं, या फिर इसका जो जैक पीसीबी में लगा होता है वहाँ से ये लूज हो जाए, खिंच जाए, या फिर उसमें कार्बन आ जाए, तो भी ये एरर कोड आ जाता है, या फिर ये सेंसर ही डेड हो जाए। इसके मतलब ख़राब होने पर भी हमारा जो है ये इवन एरर कोड आ जाएगा। तो ऐसे में आप पहले तो वायरिंग चेक कर लीजिए, जैक चेक कर लीजिए, और उसके बाद नहीं तो आप फाइनली इससे भी अगर ये ठीक नहीं होता तो आप सेंसर नया लाकर इसको बदल दीजिए। इससे आपका जो है ये इवन एरर कोड चला जाएगा। अब देखिए, इस एसी में इवन एरर कोड क्यों आ रहा है? एक्चुअली हुआ क्या, इसमें ना चूहे घुस गए और चूहों ने इसका पूरा थर्मोकोल भी खा लिया और ये सेंसर की वायर भी काट दी, जिसकी वजह से ना इसमें ये इवन एरर कोड आ रहा है और इसका एयर फ्लो भी ख़त्म हो गया, इसमें कूलिंग भी बहुत कम बची है। तो फिलहाल हम देखिए आपको इवन एरर कोड का जो ये आ रहा है, इसका वायर हम जोड़ देते हैं सेंसर का, और देखिए ये हमारा इवन एरर कोड चला गया। ठीक है, आप डिस्प्ले में देख रहे हैं 20 जो है हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है और एसी चलने लग गया है। इस तरह का होता है सेंसर, ये हमारा सेंसर है और इसकी वायर अक्सर यहाँ से कट जाती है, और ये आपको हमेशा कोयल के सामने लगा मिलेगा, यहाँ पर इस कोयल के बीच में कहीं भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर ये यहीं पर लगा मिलता है, पीसीबी से निकल रही होगी इसकी वायर यहाँ पर।